बहुकल्पीय प्रश्न पत्रिका नमूना मल्टीपल चॉइस बेस्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर विषय तृतीय भाषा हिंदी। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए चार चार विकल्प सुझाए गए हैं, उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर दिए गए OMR पत्र में सही क्रमांक को छायांकन कीजिए। पहला प्रश्न, कर्मचारी इसका अन्य वचन रूप है ए कर्मचारी, बी कर्मचारीगण, सी कर्मचारियों, डी कर्मचार। सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्मचारियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग रूप है ए औरत, बी रवि कुमार, सी आदमी, डी लेखक। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए औरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है ए लिखना, बी लिखाना, सी लिखवाना, डी लिखूंगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी लिखाना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नाम क्या है इस वाक्य में रहे हुए विराम चिन्ह ए अल्पविराम, बी योजक चिन्ह, सी कोष्टक चिन्ह, डी प्रश्नवाचक चिन्ह। सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय शब्द में संधि है या विद्यालय शब्द इस संधि का उदाहरण है ए रुद्धि संधि, बी दीर्घ संधि, सी अयाधि संधि, डी गुण संधि। सही उत्तर है ऑप्शन बी दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है ए पंचवटी, बी राजपुत्र, सी आजन्म, डी मुखचंद्र। सही उत्तर है ऑप्शन ए पंचवटी, संख्यावाचक जो शब्द है उन्हें द्विगु समास कहते हैं, पंचवटी द्विगु समास के लिए उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ डैश पत्ता गिरता है वाक्य के लिए उपयुक्त कारक है ऑप्शन ए से, बी में, सी पर, डी को। सही उत्तर है ऑप्शन ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पिताजी के लिए पत्र लिखते हैं तो अभिवाद भाग में लिखते हैं ऑप्शन ए पूजनीय पिताजी, बी महोदय, सी साधर प्रणाम, डी धन्यवाद। सही उत्तर है ऑप्शन ए पूजनीय पिताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य बहुत डैश है ए बोला बाला, बी कठिन है, सी आसान है, डी सुंदर है। सही उत्तर है ऑप्शन ए बोला बाला, सत्य बहुत बोला बाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत कम सूर्य ताप इस ग्रह पर पड़ता है ए गुरु, बी मंगल, सी शनि, डी शुक्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभूमि कविता के कवि है ए दिनकर जी, बी सियाराम शरण गुप्त, सी भगवती चरण वर्मा, डी सोहनलाल द्विवेदी। सही उत्तर है ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के अनुसार भारत के खेत कैसे हैं ए हरे भरे, बी पत्थर से, सी फूलों से, डी फलों से। सही उत्तर है ऑप्शन ए हरे भरे, कवि के अनुसार भारत के खेत हरे भरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटो डैश आवश्यक अंग बन गया है ए बाजार का, बी भोजन का, सी जीवन का, डी खाने का। सही उत्तर है ऑप्शन बी भोजन का, टमाटो भोजन का एक आवश्यक अंग बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक चीज़ें खरीदने कहाँ गए थे ए गांव, बी शहर, सी चौक, डी घर। सही उत्तर है ऑप्शन सी चौक, लेखक जी ने चीज़ें खरीदने के लिए चौक में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महादेवी वर्मा जी के इस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। ए संध्या गीत, बी नीरजा, सी यामा, डी निहार। सही उत्तर है ऑप्शन सी यामा। यामा कृति के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? ए सुराई पर, बी मेज पर, सी घोंसले में, डी दीवार पर। सही उत्तर है ऑप्शन ए सुराई पर। गर्मी के दिनों में गिलहरी सुराई पर लेट जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मनुज का यान कहाँ जा रहा है? ए पाताल, बी गगन, सी बादल, डी पेड़। सही उत्तर है ऑप्शन बी गगन में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु इसे देखकर कांपते हैं? ए मानव के करों को, बी मानव के कानों को, सी मानवों के पैरों को, डी मानव के आंखों को। सही उत्तर है ऑप्शन ए मानव के करों को देखकर परमाणु कांपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु थी? ए कलम, बी पुस्तकें, सी कपड़े, डी खाना। सही उत्तर है ऑप्शन बी पुस्तकें। पुस्तकें अब्दुल कलाम जी के बचपन में एक दुर्लभ वस्तु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल कलाम जी के अंतरंग मित्र थे? ए जलालुद्दीन, बी जैनुलाबदीन, सी शामसुद्दीन, डी शिवप्रकाश। सही उत्तर है ऑप्शन ए जलालुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत की सच्चाई पाठ की विधा यह है? ए रेखाचित्र, बी एकांकी, सी कहानी, डी जीवनी। सही उत्तर है एकांकी, ऑप्शन बी एकांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे? ए अहिरटीला, बी किशनगंज, सी बंगाल, डी होटल। सही उत्तर है ऑप्शन बी किशनगंज। पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिमान इसका मूल है? दया, पाप, करुणा, क्रोध। सही उत्तर है पाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास जी इस शाखा के कवि थे? ए कृष्ण भक्ति, बी शिव भक्ति, सी राम भक्ति, डी विष्णु भक्ति। सही उत्तर है ऑप्शन सी राम भक्ति शाखा के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है? ए राम नाम जपने से, बी कृष्ण के याक से, सी शांति मंत्र जपने से, डी काम करने से। सही उत्तर है ऑप्शन ए राम नाम जप करने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट की सहायता से यह मिटा सकता है? ए गरीबी, बी अशिक्षिता, सी रोजगारी, डी बेरोजगारी। सही उत्तर है ऑप्शन डी बेरोजगारी को मिटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस द्वारा प्रशासन यह बन सकता है? ए पारदर्शी, बी खराब, सी अपारदर्शी, डी नियमित। सही उत्तर है ऑप्शन ए पारदर्शी। ई गवर्नेंस द्वारा प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक को यहाँ ठहराया गया? ए पाठशालाओं में, बी होटल में, सी घर में, डी देवालय में। सही उत्तर है ऑप्शन बी होटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वागत समिति के मंत्री इसको डांटने लगे? ए कार्यकर्ताओं को, बी ईमानदारों को, सी पुलिस को, डी नौकरों को। सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्यकर्ताओं को। स्वागत समिति के मंत्री ने कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहाने बनाने का प्रमुख कारण है ए अहंकार, बी आलस्य, सी होशियारी, डी ईमानदारी। सही उत्तर है ऑप्शन बी आलस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के खोने से यह होता है ए दुख होता है, बी खुश होता है, सी पछताना पड़ता है, डी सुख होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी पछताना पड़ता है, समय के खोने से पछताना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है ए अरुणिमा सिंह, बी जूके थाम्बी, सी बिचेंद्र पाल, डी हमसा देवी नेगी। सही उत्तर है ऑप्शन सी बिचेंद्री पाल जी ने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर का नाम था ए कुमार, बी कुल्लर, सी अंगदोरजी, डी करियप्पा। सही उत्तर है ऑप्शन ए कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण की शिकायत इसके प्रति है ए ग्वाल मित्र, बी नंद, सी यशोधा, डी बलराम। सही उत्तर है ऑप्शन डी बलराम के प्रति कृष्ण की शिकायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुटकी दे देकर हंसने वाले कौन थे ए कृष्ण, बी बलराम, सी ग्वाल मित्र, डी नंदलाल। सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्वाल मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास इसके भक्त थे ए राम, बी ईश्वर, सी विष्णु, डी कृष्ण। सही उत्तर है ऑप्शन डी कृष्ण, सूरदास कृष्ण के भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है ए मैसूरू, बी रायचूरू, डी बेंगलुरु, डी धारवाड़। सही उत्तर है ऑप्शन सी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक की दक्षिण दिशा में इस पर्वतमालाएं हैं ए नीलगिरी, बी पश्चिमी घाट, सी कालानाग, डी सह्याद्री पर्वत। सही उत्तर है ऑप्शन ए नीलगिरी पर्वतमालाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुंबज इसके लिए अद्वितीय दृष्टांत है संगीत, वस्तुकला, चित्रकला और ललित कला। सही उत्तर है ऑप्शन बी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असफलता एक चुनौती है डैश पंक्ति पूर्ण कीजिए, कभी हार नहीं होती, इसे स्वीकार करो, देखो और सुधार करो, मत भागो। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। धन्यवाद।